नमस्कार साथियों, कैसे हो? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। वीडियो पे वीडियो आ रही है, मगर ये न्यूज थी। आपको पता है आज संडे है, कहीं बाहर थे और भाई की शादी का प्रोग्राम था तो उसमें थोड़ा सा बिजी थे। सरप्राइज भी देंगे आपको, किसकी शादी, किसके शादी के प्रोग्राम में बिजी थे, और उस पर सरप्राइज ऑफर भी लेकर आएंगे। और यहाँ देखो, सफाई कर्मचारी भर्ती रंग, एक टैग दिखा आपको और सब चौंक गए कि वास्तव में सफाई कर्मचारी की भर्ती रद्द हो गई क्या? ऐसा नहीं हुआ है, पहले ही बता दूं। यहां तक आपको लाने का मेरा उद्देश्य था कि आपको हर बात समझा सकूं कि इस भर्ती में ऐसे झोल क्यों पड़ रहे हैं। अब एक नया झोल क्या आया है, सफाई कर्मचारी भर्ती पर लगी रोक 11 मार्च यानी कल से आंदोलन शुरू। ये वाल्मीकि समाज की चेतावनी। कल मैंने एक नोटिस था जो आज मेरा 4 बजे वीडियो आने वाला है, उसमें परिचर्चा करूंगा, मगर यहां पर जो आज के न्यूज़पेपर में कटिंग आई तो ये बीच में मुझे वीडियो बनाना पड़ा। भर्ती में मनमानी का आरोप, यानी जो डीएलबी विभाग और सरकार ने जो कार्य किया है, तो सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष नंद किशोर जी डंडोरिया ने आरोप लगाया है कि सरकार हमारी मांगे नहीं मान रही है, जो बात हमारे बीच में तय हुई थी उस तय के अनुसार भर्ती नहीं निकाल रही है, 11 से करेंगे हड़ताल। अब क्या होगा इस भर्ती का, इन तमाम मुद्दों पर परिचर्चा करेंगे मेरे साथियों। इससे पहले वीडियो पर आप नए हैं तो वीडियो को शेयर कर दें, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इससे जुड़ी प्रत्येक अपडेट और ऑथेंटिक रूप से आपकी भाषा में मैं आपको समझाने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। इससे पहले भी गेस्ट ऑफर आपके लिए चल रहा है, जो सफाई कर्मचारी का कोर्स खरीदना चाहते हैं, कोर्स बड़े ऑफर के साथ आपके सामने है, मात्र ₹149 में कोर्स, ₹149 में संपूर्ण कोर्स और ₹49 में पीडीएफ ₹49 में और संपूर्ण कोर्स ₹149 में। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, माय स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए, ऐप को डाउनलोड करके इस कोर्स को खरीद लीजिए। बेहतरीन ऑफर है, ऑफर सीमित समय तक ये ऑफर रहेगा आपको, तो इसका भरपूर फायदा उठाइए। अब बात करते हैं भर्ती के मुद्दों की। ये भर्ती का जो मुद्दे थे इन पर आपने देखा होगा, सफाई कर्मचारी भर्ती पर रोक। अब रोक कैसे लगी है, अभी डीएलबी का कोई नोटिस नहीं आया, बता दूं सरकार का कोई आदेश नहीं आया, केवल ये न्यूज़पेपर की है कि 11 मार्च से आंदोलन करेंगे सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष नंद किशोर जी डंडोरिया। वाल्मीकि समाज की प्राथमिकता को लेकर इस भर्ती में शुरू से ही एक मुद्दा रहा, इस मुद्दे पर परिचर्चा भी करेंगे। आप देखोगे तो आज के पेपर की है, भर्ती में मनमानी का आरोप लगाया है सफाई कर्मचारी भर्ती, 11 से करेंगे हड़ताल, कौन करेंगे हड़ताल, संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ 11 मार्च से हड़ताल पर जाएगा, संघ के अध्यक्ष नंद किशोर जी डांडोरिया ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार, जो न्यू सरकार है बीजेपी की, जो नई सरकार बनी है उस पर आरोप लगाया सफाई कर्मचारी भर्ती के नाम पर मनमानी कर रही है सरकार। उन्होंने बताया कि 7 मार्च को स्वास्थ्य शासन विभाग में मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा था और 3 दिन का अल्टीमेट दिया था, लेकिन विभाग ने अब तक इसकी किसी भी मांग पर गौर नहीं किया, सुनवाई नहीं की, ऐसे में संघ प्रदेश में हड़ताल करने जा रहा। क्या थी मांगे, मैंने वो लेटर भी दिखाऊंगा जिसमें उन्होंने प्रस्तुत किया था 7 तारीख को, क्या थी प्रमुख मांगे जो यहां इन्होंने की है, और बहुत सारी मांगे है, मैं सारी दिखाऊंगा आपको। यहां क्या बताया गया है, ये है मांगे, सफाई कर्मचारियों की भर्ती मस्टर रोल के आधार पर। सबसे बड़ी चीज है गुरुजी, मस्टर रोल क्या है मस्टर रोल? अरे भाई साहब, आपका अटेंडेंस होने की प्रक्रिया ही मस्टर रोल है, यानी जो हाजिरी होती है आपकी। अरे कहीं भी स्कूलों में टीचरों की नहीं हाजिरी होती है ना, उस हाजिरी के अकॉर्डिंग हाजिरी करने की प्रक्रिया मस्टर रोल कहलाती है। आपकी भाषा में करो, आपके जो सिग्नेचर साइन होते हैं, आपकी अटेंडेंस होती है, वही मस्ट रोल है, यानी अटेंडेंस के आधार पर लिया जाए आपका पहला। दूसरा, वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाए, यानी जो लगातार नगर पालिकाओं में काम कर रहे हैं, वाल्मीकि समाज से संबंध रखते हैं, उनको वरीयता दी जाए। और इन्होंने तो यहां तक कह दिया कि इसे लॉटरी सिस्टम में शामिल नहीं किया जाए। जिन अभ्यर्थियों को नगरीय निकायों का अनुभव है, अब भाई साहब 24,797 पदों की ये भर्ती है और लगभग ये मान लो 12 लाख के ऊपर फॉर्म भरे जाएंगे इसमें, जिसमें से 5 से 6 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास नगर पालिका का अनुभव प्रमाण पत्र है, नगर निकाय में कार्य करने का अनुभव है, यानी जिनके पास अनुभव प्रमाण पत्र है इसका मतलब उनको अनुभव है। जिन अभ्यर्थियों ने नगरीय निकायों का अनुभव
अधिकारियों से प्रमाणित करवाया है, ऐसे अभ्यर्थियों को बिना लॉटरी प्रणाली के प्रैक्टिकल में शामिल किया जाए। तो ये मांग तो मुझे जायज भी नहीं लग रही है। अब देखो वो सबका अलग अलग है, वो सबका मापदंड है। ये है उनकी जो मांगे का परपत्र था, इसमें मैं आपको दिखा दूं, ये आपको दिख रहा होगा 7/3/2010 यानी 3 दिन पहले ये ज्ञापन दिया था और इस ज्ञापन में इस भर्ती पर पूरी तरह चर्चा की थी, पूरी तरह परिचर्चा करके इस भर्ती की बात की थी। उन्होंने कहा था इस भर्ती को जो साधारण जो हमारी जो नियम और शर्त है जो 23/1/2024 यानी 23 जनवरी को जो हमने हड़ताल समाप्त की थी, हमारी जो समझौता हुआ था उस समझौतों के तहत इस भर्ती को करवाया जाए और उस समझौते में क्या क्या प्रपत्र थे, क्या क्या थे, ये इन्होंने बताया है, इन्होंने बात की। तो देखो क्या क्या मुख्य मांगों की तरफ ले चलता हूं, इसमें मुख्य मांगे क्या थी इनकी, ये है। देखो ध्यान देना, वर्तमान में लॉटरी द्वारा सफाई कर्मचारी भर्ती 24,797 पदों पर की जा रही है, इसमें संपूर्ण राजस्थान का वाल्मीकि समाज आक्रोशित है, संयुक्त वाल्मीकि एवं श्रमिक संघ लॉटरी प्रणाली का विरोध कर रहा है क्योंकि लॉटरी से योग्य उम्मीदवारों का चयन नहीं होगा। यह आपको मैं पहले भी कह रहा था, ये बात तो मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि योग्य उम्मीदवारों का चयन केवल प्रैक्टिकल के माध्यम से ही किया जा सकता है, परंतु संघ द्वारा आप द्वारा जो समझौता किया गया था वह वाल्मीकि समाज के साथ एक धोखा है, और धोखा नहीं यही मौका है। संघ ने सफाई भर्ती नियमों के बदलाव किए जाने के निम्न बिंदुओं को समायोजित किया जाए। अब जो मुख्य ये 6 बातें उन्होंने कही, न्यूज़पेपर में 3 को दी गई है मगर उनका जो लेटर पैड है नंद किशोर जी का, इस पर ये बातें लिखी गई है। सफाई कर्मचारी भर्ती प्रैक्टिकल के आधार पर हो, प्रैक्टिकल में ज्यादा से ज्यादा 1 वर्ष तक प्रैक्टिकल करवा कर देखा जाए। तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है, ये आप भी मानोगे मैं मानूंगा कि 1 साल तक कितने लोगों को से काम करवाया जाए। ठीक है, सफाई कर्मचारी भर्ती प्रैक्टिकल में जो अभ्यर्थी सफाई का कार्य कर रहे हैं उसे कार्य के परिश्रम भुगतान मस्ट रोल के आधार पर हो, यानी अटेंडेंस के आधार पर आपकी हाजिरी ली जाए और फिर हाजिरी के अकॉर्डिंग आपने छुट्टी किए तो आपका वेतन कटे, नहीं किए तो आपको वेतन मिलता रहे। सफाई कर्मचारी भर्ती प्रैक्टिकल में सफल रहे अभ्यर्थी को 1 वर्ष के पश्चात स्थायी कर दिया जाए, आपको घोषित कर दिया जाए, आपको नौकरी दे दी जाए मगर 1 साल के अस्थायी रूप से दी जाए। 1 साल का आपका काम देखा जाए कि आपने 1 साल में काम कैसा किया है, उसके बाद इस भर्ती को कंप्लीट है आपको फाइनल ज्वाइनिंग दी जाए। सफाई कर्मचारी भर्ती में परंपरागत सफाई कार्य से जुड़े परिवारों को समाज में प्राथमिकता दी जाए, यानी जो पारंपरिक काम है जैसे मृत पशुओं को जो उठा रहे हैं, रोडों पे सफाई कर रहे हैं, वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाए, इन्होंने ये बात भी रखी है। सफाई कर्मचारी भर्ती पूर्व में राज्य के नगर निकाय नगर निगमों में सफाई कर्मचारी भर्ती के बोनस अंक दिया जाए, यानी ये कह रहा है कि नगर पालिकाओं में अगर कोई काम कर रहा है तो उसके लिए उनका बोनस अंक निर्धारित किया जाए, बोनस अंक देकर ये भर्ती करवाई जाए। सफाई कर्मचारी भर्ती जिन अभ्यर्थियों न्याय प्रकरण विचाराधीन है एवं जिन अभ्यर्थियों के प्रकरणों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निस्तारण कर दिया गया है उन्हें नियुक्ति के आदेश दिए जाए, उन प्रकरणों में आदेश करते शीघ्र। ये कह रहा है कि अगर कोई ऐसे मामले में अटके हुए व्यक्ति हैं जो पिछली भर्ती में ज्वाइनिंग नहीं ले पाए, अब उसका विचाराधीन मामला है, तो उनको क्या है प्राथमिकता दे दी जाए, वरीयता दे दी जाए। ये इनकी प्रमुख मांगे थी सफाई श्रमिक के संघ की, और इन मांगों को लेकर भर्ती पर कल बड़ा अड़चन आ सकती है क्योंकि अगर सफाई कर्मचारी अगर हड़ताल पर आएंगे तो कार्य व्यवस्थाएं क्या होती है प्रभावित होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज थी, सारी बातें मैंने आपको छोटे रूप में समझा दी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, आपको अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भर्ती में एक नया मोड आपको देखने को मिल सकता है, इसके लिए आप अपनी तैयारी में कभी कोताही नहीं बरते हैं। और हम आपके अनुकूल मात्र 49 रुपए में PDF और मात्र 149 रुपए में संपूर्ण कोर्स लेकर आए हैं। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, बाई स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए, ऐप को डाउनलोड करके कोर्स को खरीद लीजिए। ये फायदा है, ये मौका है, मौके को चूकना नहीं है। और 4 बजे मेरी वीडियो आ रही है, लाइव वीडियो आ रही है, जो भी आपके कमेंट्स आके करें, जो भी आपको बात पूछनी है पूछ ले। जिनका कोर्स बंद हो गया है चालू हो जाएगा, मैंने टाइम मांगा था 15 मार्च तक का, 15 मार्च तक सभी के कोर्स चालू हो जाएंगे, कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, कोई भी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा, मैंने पहले भी कह दिया अब भी कह रहा हूं। तो 4 बजे वीडियो पर आइए और वीडियो को देखे, जय हिंद जय भारत, जाते जाते कह रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अब बड़ी बड़ी अपडेट आपको यहां से मिलने वाली है।